नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं टिकटॉक्स। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूट्यूब के YT स्टूडियो के बारे में। आज आपको इसके यूज़ के बारे में समझाऊंगा, इसके सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी, इनका यूज़ करके आप अपने वीडियो को यूट्यूब पे रॉकेट की तरह उड़ा सकते हो, इसमें कोई राय नहीं है। अगर आपको ये वीडियो मैं ये आपको समझाऊँगा कि किस ऑप्शन का क्या क्या यूजेज है और कहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा तो मैं गारंटी कर रहा हूँ आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब ऑन लाइक कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ मेरे द्वारा बताए गए अभी बात जो भी है आपके वीडियो को आपके चैनल में जान फूंक देगी। तो आई होप आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम YT स्टूडियो खोलते हैं और YT स्टूडियो खोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका चैनल का लोगों के साथ चैनल नेम शो का होगा और सब्सक्राइबर शो होगा। उसके बाद आपको लास्ट 28 डेज में कितने आपके चैनल पे व्यूज हैं उसके नीचे शो होगा, वॉच आवर्स कितने हुए वो शो आएगा और सब्सक्राइबर कितने प्लस हुए इन 28 डेज में वो शो होगा। उसके बाद आप मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो आप सीधे यहाँ पे ओवरव्यू में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आपके चैनल के 28 डेज में कितने व्यूज़ प्राप्त हुए वो शो होगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपके चैनल पे टॉप वीडियोस कौन कौन से हैं जो 28 डेज में सबसे ज़्यादा व्यूज़ गेन किए हैं, यानी कि उन पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं वो शो होगा। उसके बाद रियल टाइम यानी 48 आवर्स में आपके चैनल पर कितने व्यूज़ आए हैं वहाँ शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो रीच वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके वीडियो पे इम्प्रेशन कितनी है, आपकी वीडियो के लोग देख कितने रहे हैं वो इम्प्रेशन यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट यानी CTR आपके वीडियो का थंबनेल देख के जो ऑडियंस आई है वो कैसा है और उससे मिलने वाला CTR व्यूज को ही CTR कहते हैं। इसको ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा CTR थोड़ा लो है, लेकिन आपके वीडियोज पे व्यूज किस माध्यम से आ रहे हैं वो शो होगा। इसके नीचे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ भी टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में यहाँ पे बताएगा कि आपकी वीडियो किस माध्यम से ज़्यादा व्यूज ला रही हैं और कहाँ कहाँ से व्यूज आ रही हैं। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखें YouTube सर्च टर्म्स, ये आपको बताएगा कि आपकी ऑडियंस क्या सर्च कर रही है और क्या क्या देख रही है, यानी YouTube पर जिस रिलेटेड आप वीडियो डाल रहे हैं उस रिलेटेड ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, और इसका यूज करके आप अपने चैनल को बहुत ही फास्ट ग्रो करा सकते हैं। वीडियो डालते ही अगर आप इसको YouTube सर्च टर्म्स को आप अपने टैग में, आप अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में, हैशटैग में लिखते हैं तो आपके चैनल पे व्यू जाना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे इसके नीचे जाएंगे टॉप सजेस्टिंग योर कंटेंट, आपकी वीडियो मतलब आपके रिलेटेड वीडियो कौन कौन सी बनानी चाहिए या यहाँ पे शो करेगा, आपके प्लेलिस्ट को शो करेगा। उसके बाद इंगेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके चैनल का वॉच आवर्स दिखाएगा कि कितने लास्ट 28 में गेन किया। उसके बाद आपके द्वारा दिए गए म्यूजिक से जो आपके शॉर्ट्स हैं या फिर वीडियो से कितने शॉर्ट्स बनाए गए वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद ऑडियो रिटेंशन, यहाँ पे देखेंगे ऑडियंस यहाँ पे दिखाएगा। ये बहुत ही मतलब एक फ़ायदेमंद होने वाली है आपको लिए, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे रिटर्निंग व्यूअर्स का एक शो कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक न्यू व्यूअर्स का, दो ग्राफ गए हुए हैं, एक जो नीचे की तरफ ब्लू गया हुआ है वो आप देख सकते हैं, वो जो गया हुआ है वो देख सकते हैं कि वो हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं जो एक बार ऑडियो मेरे वीडियो वॉच के फिर दोबारा देखने आए हुए हैं। न्यू व्यूअर्स के ग्राफ जो देख रहे हैं ऊपर की तरफ ज़्यादा है और थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे देखिएगा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, ये आपको एकदम परफेक्ट बताएगा कि आपकी वीडियो अपलोड करने के सही टाइम क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको ये जो कलर्स हैं डीप दिख रहे हैं वो टाइम मतलब यूट्यूब पे ऑडियंस ज़्यादा रहते हैं, और जहाँ जहाँ ये कलर साफ दिख ही नहीं रहा वहाँ
से ये शो पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस या ऑडियंस यूट्यूब पे उस टाइम नहीं रहते हैं। यहाँ पे आपकी ऑडियंस की एज दिखेगी, किस किस एज के ऑडियंस आपकी वीडियो वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे देखेगा मेल फीमेल कौन कितना देख रहा है, कौन क्या है, यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद ज्योग्राफिकल बताएगा कि सबसे ज़्यादा आपकी ऑडियंस कहाँ की है, इंडिया की है, नेपाल की है, यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि यूट्यूब पे हर देश के लोग यूट्यूब को वॉच करते हैं और हर तरह का वीडियो आपका मतलब स्क्रॉल होते रहता है। और यहाँ पे अगर आपकी रिवेन्यू वैल्यू या फिर आपका चैनल मोनेटाइज है, इसके जस्ट बगल वाले में एक ऑप्शन रिवेन्यू डाटा का मिलेगा। आई होप आपको ये हमारी दोस्तों आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेंगे ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।